सब आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे हम में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पटना से रांची के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12365 पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि एक सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है। ट्रेन अपने पैसेंजरों को डेली सर्विस देती है। ट्रेन ने अपनी सर्विस 8 जनवरी 2010 में दी थी। ट्रेन अपना सफर 409 किलोमीटर को पूरा करने में 7 घंटे और 55 मिनट का समय लगाती है। ट्रेन के पटना से रांची के बीच टोटल 10 स्टॉप से ट्रेन की एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन में टोटल 17 कोचेस लगते हैं, जिसमें से 3 कोच एसी चेयर कार के, 12 सेकंड सीटिंग के कोच और 2 ईओटी कोचेस लगते हैं। ट्रेन को हावड़ा का वैप7 लोको हॉल करता है। अब बात करते हैं ट्रेन के टिकट फेयर के बारे में। तो सेकेंड सीटिंग में 185 रुपये, एसी चेयर कार में 635 रुपये लगते हैं। ये किराया पटना से रांची के बीच का है, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और जीएसटी चार्ज इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं ट्रेन के हॉर्स के बारे में। तो ट्रेन पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से सुबह 6:02 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन तरगिना के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सुबह 6:30 पर पहुंचती है और 6:32 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन के यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन जहानाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह 6:47 पर पहुँचती है और 6:49 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन के यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सुबह 7:55 पर पहुंचती है और 8:15 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 20 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस सब तो पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन कोडरमा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सुबह 9:17 पर पहुँचती है और 9:19 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन हजारीबाग रोड सुबह 9:46 पर पहुँचती है और 9:48 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन के यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 216 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन पारसनाथ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सुबह 10:09 पर पहुँचती है और 10:11 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सुबह 10:29 पर पहुँचती है और 10:34 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन चंद्रपुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह 10:50 पर पहुँचती है और 10:52 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन बोकारो स्टील सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सुबह 11:30 पर पहुँचती है और 11:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन मूरी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दोपहर के 12:31 पर पहुँचती है और 12:33 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन अपने डेस्टिनेशन स्टेशन रांची जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दोपहर 1:55 पर पहुँचती है और यहाँ तक ट्रेन 409 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है।